नमस्कार, मैं हूं दीप्ति पाल। देख रहे हैं आप टीवी 24 नेटवर्क। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने रविवार 14 जुलाई को ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर की ऑडी कार जब्त की है। पूजा पुणे में असिस्टेंस कलेक्टर के तौर पर पोस्टिंग के दौरान लग्जरी कार पर अवैध तरीके से लाल नीली बत्ती लगाकर घूमने के बाद विवादों में आई हैं। इसी क्रम में पता चला है कि पूजा खेडकर जिस ऑडी कार का इस्तेमाल कर रही थी, उसने 21 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी किया है। पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कार मालिक पर 27,400 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने को अब कार मालिक ने भर दिया है। कार पूजा नहीं बल्कि किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऑडी कार एक प्राइवेट इंजीनियर कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुणे आरटीओ ने गुरुवार 11 जुलाई को MH12AR7000 नंबर वाली इस ऑडी के मालिक इंजीनियरिंग कंपनी को नोटिस जारी किया था। नोटिस में कंपनी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए गाड़ी पेश करने के लिए कहा गया था। पुणे पुलिस ने बताया कि खेडकर परिवार के ड्राइवर ने पुणे के चतुरसृंगी पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक डिवीजन में कार जमा करवाई है। कार पर लगी लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र प्रशासन का स्टिकर हटा दिया गया है। पुलिस कार के डॉक्यूमेंट्स की जाँच कर रही है। फिलहाल कार पर जैमर और उनके चारों ओर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। 2022 से अब तक तेज गति से गाड़ी चलाने, सिग्नल तोड़ने और पुलिस के पूछने पर रुकने से इनकार करने जैसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने को लेकर ऑडी के 21 चालान पेंडिंग थे, लेकिन कार मालिक ने उन्हें अब भर दिया है। ट्रैफिक पुलिस प्रमुख मुदिशर मुशीर ने बताया कि वो निगड़ी इलाके के भक्ति शक्ति चौक पर ड्यूटी दे रहे थे, तभी ऑडी कार मालिक वहां आया और उसने जुर्माने की पूरी रकम अदा कर दी। पूजा के पिता दिलीप खेडकर ने अपनी बेटी के सफाई में कहते हुए बोला कि पूजा ने सरकारी काम के लिए लग्जरी कार का इस्तेमाल किया, इसलिए क्योंकि उनके पास कोई सरकारी गाड़ी उपलब्ध नहीं थी। ऐसा करने के लिए उसने अपने सीनियर से इजाज़त भी ली थी। चर्चा में आई कार उनकी नहीं थी बल्कि उसके परिवार के एक रिश्तेदार की थी। उसने गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर किसी को धोखा नहीं दिया है। पूजा 2022 बैच की महाराष्ट्र कैडर की IAS अफसर है। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 841वीं रैंक हासिल की थी। पिछले साल जून में उन्हें बतौर प्रोबेशनरी ऑफिसर पुणे भेजा गया था। पूजा अब अचानक चर्चा में आई हैं तब जब उन्होंने पुणे में अपनी पोस्टिंग के दौरान कथित तौर पर अलग कैबिन और स्टाफ की मांग की थी। ऐसे में उनका ट्रांसफ़र पुणे से वाशिम जिले में दिया गया। यही नहीं, उन पर क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए से कम सालाना आय और दृष्टिबाधित कैटेगरी के तहत सिविल सेवा परीक्षा देकर मानसिक बीमारी का सर्टिफिकेट लगाकर IAS में जगह हासिल करने के आरोप लगे हैं। मामले में जांच जारी है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए टीवी 24 नेटवर्क से।